छोटे मोटे काम तो हम घर ही कर देते हैं। सही भाई, तुम्हारा भाई मिस्त्री है। ओ, तो गाइस फाइनली ये रिमूव हो चुका है हमारा पैनल। तो गाइस फाइनली हम लगाने जा रहे हैं डबल बबल वाइजर अपनी बाइक में। जनता गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस फाइनली आज की वीडियो में हम अपनी R15 M में चेंज करने वाले हैं वाइजर। तो गाइस इसको रिमूव करके हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं डबल बबल वाइजर जिसको बोलते हैं गाइस। उसे लगाने के बाद ना इसका लुक भयंकर लुक आने वाला, मतलब इसकी हाइट अब ये इतनी है, उसे लगाने के बाद ना हाइट यहाँ आ जाएगी, इतना लगेगा। तो एक बल्कि सी बाइक लगती है गाइस, बहुत प्यारा लगता है, मतलब जैसा भी है। तो मैंने दिल्ली से मंगा रखा है, मतलब मैं अभी पीछे आपने लास्ट ब्लॉग देखे होंगे एक दो, मैं बाइक के कुछ सामान लाया था। आपने कल ब्लॉग में देखा होगा ये पीछे हमने अपनी R15 M में ग्रैवरील पीछे इंस्टॉल करी थी हमने। तो फाइनली गाइज आज की वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं अपनी R15 M में डबल बबल वाइजर जो मैं दिल्ली से लेके आ रखा हूँ। भाई ये रखा उधर, दिखाना उठा के भाई, ये चेक करो भाई। तो गाइज ये डबल बबल वाइजर, और भाई सारा काम मैं बाइक में खुद ही कर लेता हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मिस्त्री की दुकान पे ले आके, कहीं शॉप पे ले आके आपको इंस्टॉल कराना, कुछ भी नहीं है। चार पांच पेच हैं वो रिमूव करने, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइज बने रहिए वीडियो के साथ, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइज फाइनली करते हैं इसको रिमूव। इसे रिमूव करने के लिए 6 पेज हैं, ये पेज कैसे रिमूव हो जाएंगे, और 4 एलकी के बोल्ट होते हैं जो एलकी ये रही हमारे पास, अभी करते हैं। देखो भाई साहब, प्लास्टिक के पेच हैं, प्लास्टिक है मैं भाई, मैं सोच रहा ये मेटल के हैं, प्लास्टिक के पेच हैं यार, मेरा मुझे तो वही चला है। लो भाई, और गाइस पता है एक बुरा सा लगेगा हमारे यूट्यूब चैनल का जो लोगो है ना, ये हट जाएगा, उस पर है नहीं, उस पर बाद में लगवा देंगे। और अभी क्या करना है, अभी ये रिमूव करना है एल की दे 5 नंबर पर भाई, ये एल की से रिमूव करने बोल्ट ये। छोटे मोटे काम तो हम घर ही कर देते हैं। सही भाई, तुम्हारा भाई मिस्त्री है, पकड़ना भाई, बड़ा लंबा बोल्ट है। तो गाइस फाइनली हमने लेफ्ट हैंड का शीशा रिमूव कर दिया है भाई, बोल्ट ध्यान से रखना, लो सारे बोल्ट तेरे पास है ठीक है। और करते हैं, और पिन भी है, पिन जो बटन है वो है तेरे पास, ले ये वाले बटन है, ले पकड़ लो भाई, राइट हैंड का शीशा भी रिमूव ले पकड़। अब इसको निकालते हैं बड़े प्यार से, नंबर ये क्या था भाई, अच्छा ये इसमें डलते हैं, अच्छा ये छुट के आ गया, इसे डलता है। ओ सही, सिंपली बीजे चालू है ना। तो गाइस फाइनली ये रिमूव हो चुका है हमारा पैनल, इसमें इंस्टॉल करेंगे हम। इस बार इसमें डिफरेंस क्या है, ये बड़ा है वो वाला, अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो, एक बात समझ नहीं आ रही, नहीं बड़ा है भाई, बड़ा है, ये चेक करो भाई डिफरेंस यहाँ दिख रहा है, देखो भाई ये कितना बड़ा है, ये छोटा है। पर एक चीज़ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कहाँ दिखा रहा है यार, मैं कहाँ बोल रहा हूँ भाई, जिसकी बिल्ड क्वालिटी में और इसकी बिल्ड क्वालिटी में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये बहुत हार्ड है, बट ये ओरिजिनल है, ये आउट ऑफ मार्केट मिला हुआ है, मतलब ये कंपनी से नहीं है, ये कंपनी का, तो ये अलग है, इसको हम रखेंगे सुंगा के, कभी ज़रूरत पड़ेगी, कभी ये ब्रेक हो जाता तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, तो इसे लगाते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम जा रहे हैं ये वाला इंस्टॉल करने के लिए डबल वाइजर गाड़ी में, इसकी पहले पिन उतारते हैं उसके बाद लगाते हैं। तो गाइस फाइनली हम लगाने जा रहे हैं डबल बबल वाइजर अपनी बाइक में। भाई हमने तो घर पर ही कर लिया, आपके ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ इंस्टॉल कराओगे, कुछ भी नहीं है यार। बस हो गया, कुछ नहीं है, सिंपली अब इसमें पेच ऐड करने और यहाँ के बॉल्ट खींचने, बाकी ये खिंच जाएगा। पहले इसमें पेच ऐड करते हैं गाइस, अब चेक करो कैसा लग रहा है, मतलब बल्कि सी ना हो गई एकदम, तो मस्त लग रही है। तो फाइनली ये हमने ऐड करता है, इसमें करते हैं पेच ऐड गाइस, फाइनली जा रहे हैं पेच ऐड करने के लिए। सुधीर भाई हमें पेच का उठा के दें आप, अरे ये पेज पकड़ो।
तो गाइस फाइनली हमने अपनी न्यू बाइक में न्यू अरुण 5 mm में कर दिया डबल वाइजर ऐड। अब मिरर खींचना है और बाकी पेज खींचना है। तो गाइस फाइनली हमने सारे पेज खींच दिए और अभी मिरर ऐड कर रहे हैं हम इसमें, मतलब सारा काम फिनिश हो गया। अब कमेंट करना गाइस हमारी बाइक कैसी लग रही है आगे से फाइनल लुक अभी चेक कर। ये अपना काम है भाई, हम खुद ही कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी आर्बन 5 mm में हो चुका है डबल वाइजर ऐड, डबल बबल वाइजर। ये चेक करो भाई, पहले से तो भाई अब इधर से मैं देख रहा हूँ ना ऐसा लग रही है मेरा मुंह ना लग जाए इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है इसकी। तो कैसे लग रही है सुपर, तुम बताओ ना। बढ़िया लग रही है ना। तो गाइस फाइनली हमारी बाइक में ऐड हो चुका है डबल वाइजर ऐड। तो बस आज का ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा नहीं था, बस ये छोटा सा ही छोटे छोटे ब्लॉग एसेसरीज से रिलेटेड आ रहे हैं, मतलब डबल बबल वाइजर ऐड कर दिया और कल वाले में हमने ग्रैब रील लगाई थी और एक दो और आएंगे ऐसी, मतलब जो भी हम अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन अपने हाथ से करेंगे गाइस, जो भी सारा कुछ होगा ना मैं अपनी हाथ से कर लूँगा जैसा भी है। और हाँ गाइस भाई, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, बहुत जल्दी 30K होने वाले हैं, मतलब जैसा भी है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड कॉमेंट करना। और जो भाई न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि हर तरह की आर्बन 5 mm से रिलेटेड सारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र रोशन राइडर पर, A to Z भाई, जो भी आर्बन 5 से रिलेटेड है कुछ भी। तो गाइस फाइनली आज का ब्लॉग करते हैं एंड। तो गाइस कैसा लगा हमारा ब्लॉग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना। गाइस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जिस भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हमारी हर एक न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप देख पाएँ हमारा ब्लॉग सबसे पहले। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।